Guys, you know something? I don't use a credit card. मगर क्यों? Scam एक बहुत बड़ा चल रहा है credit card को लेके. Hey, come look at this. आज आप इस वीडियो में इतनी लाइक और शेयर करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर स्कैम क्या है और आप कैसे इस स्कैम से या इस जैसे और किसी स्कैम से बच सकते हैं एंड आई मीन अपने पैसों को बचा सकते हैं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. I'll tell you what, I mean, I don't use a credit card और मेरे अपने personal reasons हैं and the reasons are very simple. मतलब काफ़ी लोगों के लिए credit card काफ़ी lucrative हो सकता है कि यार you know, आपको एक तो credit limit मिल जाती है, फिर आपने आज pay किया और आपको एक interest free time मिल जाता है, you know, depending on the billing cycle कि आप maximum कितने दिनों तक interest free अपना जो है वो transaction को enjoy कर सकते हैं. आपको सामान आज मिल गया, पैसे आपने उसके बाद में दे दिए. बट मतलब माय पर्सनल बिलीफ इज़ कि नो, सी क्रेडिट कार्ड्स आर डेफिनेटली गुड अगर आप उनको एकदम तरीके से ढंग से यूज करो तो. भाई ने बोला करने का तो करने का. प्रॉब्लम क्या है ना कि बिकॉज वी आर ह्यूमंस और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यू एंड अप डूइंग समथिंग हियर एंड देयर और फिर आप एक ट्रैप में फंसते हो एंड देन द इंटरेस्ट रेट्स और वो पूरी एक साइकोलॉजी मतलब एक अलग लेवल की है. बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है. मैं अवॉइड करता हूँ अपने आप को पर्सनली कि आई डोंट यूज अ क्रेडिट कार्ड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करने चाहिए. आपके ऊपर डिपेंड करता है द वे योर लाइफस्टाइल इज या द वे योर फाइनेंशियल थिंग्स आर. आप क्रेडिट कार्ड यूज कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो. बट माय पर्सनल थिंग इज कि मैं वही पैसा खर्च करूंगा जो मेरे पास में ऑलरेडी है आज की डेट में और उसके लिए मैं क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करता हूँ. बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का. अब आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड का स्कैम क्या चल रहा है फिलहाल आज की डेट में. क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, आपको तरह तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, यू नो, रिवॉर्ड पॉइंट्स एज वी कॉल देम, काफी बेनिफिट्स हैं और बाद में उनको क्लेम कर सकते हो और आपको और एक्स्ट्रा डील, मतलब यू नो लाइक द सिस्टम इज क्वाइट गुड. अब स्कैम क्या हो रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, एक बात तो फॉर श्योर है, आप इस बात को तो मान लीजिए कि जो बंदा क्रेडिट कार्ड यूज करता है कहीं ना कहीं वो अगर हम नॉर्मल सोसाइटी की बात करें तो थोड़ा सा फाइनेंशियली एक बेटर स्टेट में होगा. तभी उसको क्रेडिट कार्ड मिला है, तभी उसको यूज करता है, तो आई मीन इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब स्कैमर्स उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया इनके पास में है मोटा पैसा और यहां से हमको स्कैम करके अच्छा फायदा मिल सकता है. डेटा पता नहीं कैसे शेयर होता है. अगेन बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं कई बार तो लीकेज बहुत जगहों से होती है भैया, बहुत सारी कंपनीज यू नो डेटा शेयर हो जाता है इजिली. स्कैमर्स के पास में आ गई है लिस्ट कि हाँ इस शहर में, इस एरिया में या इस जगह ये लोग हैं, ये इनका फ़ोन नंबर है और इनके पास में इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या वट एवर इट्स. भाई स्कैमर्स के पास में लिस्ट मिल जाती है और यू नो एट द एंड लूप में बहुत सारे लोग होते हैं. अब होता क्या है, एक SMS आता है कि योर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स आर यू नो एक्सपायरिंग सून, आप इस लिंक पे जाओ और इनको ऐड कर लो या इनको रिन्यू कर लो या क्लेम कर लो, व्हाटएवर जो इनकी लैंग्वेज है. अब क्योंकि आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है कि यू हैव अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम दिस बैंक या व्हाटएवर और आपको सामने से वो बोल रहा है कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स अभी वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो आपको लगता है ओ माय गॉड, जिस चीज़ के लिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट किया था जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे अगर वो एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर मतलब ये तो अभी तो एक्शन लेना पड़ेगा. आप जाते हो उस लिंक पे एंड गाइज उसके बाद की बात बता के कोई फायदा नहीं है, वीडियो बनाना लंबा होगा, यू नो क्या होता है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. पैसे जाते हैं आपके अकाउंट से बिकॉज आप वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा एंटर करते हो, अपना OTP या कुछ नंबर या कुछ नाम, कुछ डिटेल, समथिंग समथिंग समथिंग, यू एंड अप लूजिंग मनी. ओह शिट, नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. यस, इट्स अ रियलिटी और ये इंडिया में बहुत लोगों के साथ में हो रहा है, अच्छी अच्छी पोजिशन पे जो लोग हैं उनके साथ में हो रहा है. पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो वेल सेटल्ड इन लाइफ में, जिनके पास में एक अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, जो एक आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, उनके साथ में ये हो रहा है. यस, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज अ रियलिटी, द क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला स्कैम. और आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, ऐसा कोई भी अगर मैसेज आए, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू यू से, कोई आपको बोले कि आपके बैंक में कुछ और हो रहा है, वट एवर, ID चेंज, KYC, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, एट द एंड बेसिकली आपको स्कैमर्स टारगेट करेंगे. क्रेडिट कार्ड अगर आप यूजर हो तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले यू नो लैंग्वेज के ऊपर फंसाएंगे और ये बहुत ज़्यादा लोगों को फंसा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यू नो फास्ट स्पीड से. तो गाइज आपको बचना है, ऐसे किसी मैसेज पे कभी भी यकीन नहीं करना है, किसी भी ऐसे रैंडम लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कभी भी अपनी डिटेल्स, अपना OTP ऐसे शेयर नहीं करना है यार. तो आई होप कि आप इससे बचोगे, अगर बच सकते हो तो क्रेडिट कार्ड से बच लो,
पहला स्टेप तो वही बहुत आपके फाइनेंसिस को ठीक कर सकता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट बट दैट्स माय पर्सनल फिलॉसफी। अगर आप कर सकते हो तो, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ भी करते हो वाइजली यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ढंग से यूज़ करोगे तो। लेकिन स्टिल अगर ऐसे स्कैम्स आए तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर देम, स्टे अवेयर, स्टे अवेक, जागरूक रहो और देखो कि ये चीज़ें आपको फंसाने के लिए ही इन्वेंट करी इन लोगों ने, और एट द एंड आपके पैसे जाएंगे। और अगर ऐसा कोई स्कैम होता है आपके साथ में तो यू नो द नंबर, इट्स 1930, द डोमेन इज cybercrime.gov.in, गो अहेड, फाइल अ कंप्लेंट, टेक योर एक्शन, ताकि जो आपके पैसे गए हैं वो एटलीस्ट क्या पता ब्लॉक हो या रिकवर होकर मिल जाए, या यू नो द अथॉरिटीज टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन और वो आपकी मदद कर पाए। और मदद कीजिए बाकी लोगों की इस वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।